नमस्कार अमरीजनों, आप देख रहे हैं सूडी पाठशाला, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे बच्चों की इंक्वायरीज थी, कई सारे वीडियोज में कमेंट्स देखने को मिला कि सर क्या सच में इस बार सीयूटी पीजी 2024 में जो हमारा 25 क्वेश्चन जनरल क्वेश्चन आते थे वो अब नहीं आएंगे। तो मुझे लगा कि एक बार प्रॉपर इस पर डिस्कशन होना चाहिए कि ये आएगा कि नहीं आएगा। और ये जनरल पेपर के टू टाइप्स होते हैं बेसिकली, मुझे बच्चों के डाउट्स जो है वहां पे क्लियर करना था, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि जनरल पेपर ही खत्म हो गया है। जनरल पेपर नहीं, एप्टीट्यूड सेक्शन हटाए गए हैं, लेकिन दोनों को जनरल पेपर बोला जाता है बार बार। तो कहीं ना कहीं ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना चाहिए, जिससे आपका जो डाउट है वो फाइनली क्लियर हो जाए और आप ये तय कर सको कि फाइनली आपको अपने पर्टिकुलर कोर्स के लिए क्या पढ़ाई करनी है। सबसे पहले आप इस बार करना पेपर पैटर्न समझ के पिछले साल का समझो। पिछले साल का जो पेपर पैटर्न रहा है उसमें हमारे दो सेक्शन हुआ करते थे, पार्ट वन पार्ट टू, या हम लोग पार्ट ए पार्ट बी बोल सकते हैं। जो पार्ट ए हुआ करता था वो हमारा जनरल पेपर बोला जाता एज एप्टीट्यूड, जो भी क्वेश्चंस होते थे उसमें आता था जीके जीएस करेंट अफेयर्स रीजनिंग मैथ, और लैंग्वेज के भी चार पांच क्वेश्चंस होते थे, मतलब 25 क्वेश्चन में ही लगभग सब कुछ दे देना। और बाकी के बचे हुए आपके जो 75 क्वेश्चंस होते थे, 75 क्वेश्चंस जिसको हम लोग डोमेन बोलते थे, यानी सब्जेक्ट स्पेसिफिक सेक्शन। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, कोई बच्चा बीएचयू से एमए हिस्ट्री करना चाहते हैं तो उसको दो सेक्शन चूज करना पड़ेगा। एक्चुअली वहां पे चूज का भी ऑप्शन नहीं था, वो ऑटोमेटिकली आपके एग्जाम में वहां आपके डिस्प्ले हो जाएगा। मींस टोटल 100 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, जिसमें वहां पे दो सेक्शंस होंगे। आपको सेक्शन ए में एप्टीट्यूड के सेक्शन जो क्वेश्चंस है सॉल्व करने पड़ेंगे, और सेक्शन बी में आपके डोमेन सब्जेक्ट स्पेसिफिक के क्वेश्चंस आएंगे, वो आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। जैसे कि मैं आपको हिस्ट्री बोला तो 75 क्वेश्चन हिस्ट्री के होंगे और 25 क्वेश्चन आपके जनरल जीके जीएस मैथ रीजनिंग करंट अफेयर्स और लैंग्वेज के होंगे। जो बदलाव हुआ है वो हुआ है इस वाले सेक्शन को रिमूव करने की बात आ रही है। अब उसको हम लोग एक ऑफिशियल नोटिस के थ्रू समझते हैं। पहले ये इस बार का लगभग 70 पेज का उन्होंने जो एक बुलेटिन दिया है, यानी एनटीए ने दिया है, उसमें लगभग 11वें या 10वें नंबर का ये पेज है जिसपे आप जाके देख सकते हो। यहां पर टोटल 13 पॉइंट दिया गया है। टोटल कितना पॉइंट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अगर एक एक पॉइंट्स को हम लोग समझे तो पहला ही है हमारे पास कि देयर यू कैन चूज मैक्सिमम 4 कोर्सेज, यानी एक बच्चा लगभग 4 सब्जेक्ट्स में अपना फॉर्म भर सकता है, पहली चीज। दूसरा है देयर वुड बी नो जनरल टेस्ट विथ ईच पेपर, यानी प्रत्येक पेपर के साथ जो है वो जनरल पेपर नहीं रहेगा। यानी यहां पे वो जनरल पेपर एप्टीट्यूड, यानी अब 100 क्वेश्चन पेपर नहीं है, 100 क्वेश्चन का नहीं है, 75 क्वेश्चन का है। 25 क्वेश्चन का जो सेक्शन है वो हटा दिया गया। उसके बाद बोल रहा है जनरल पेपर एज ए सब्जेक्ट, लेकिन आपको एज ए सब्जेक्ट जनरल अगर चूज करना है तो वो अभी भी आएगा। मेरी बात समझ गया कि नहीं? एक्चुअली बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे जो कोर्सेज होते हैं बीएचयू में या जेएनयू में डीयू में, उनका एडमिशन का प्रोसेस है एज अ जनरल पेपर एडमिशन लेंगे, तो वो एक अलग जनरल पेपर है। वो आप जब फॉर्म भरोगे तो वहीं पे आपको चूज करना होगा कि आप हिस्ट्री जा, अगर मान लो एमए हिस्ट्री करना है तो आप तो हिस्ट्री चूज कर लोगे, लेकिन आपको सपोज बीएचयू से मास कम्युनिकेशन करना है, आईआरडीएम करना है, एमएसडब्ल्यू करना है, या एमपीएमआईआर करना है, ऐसे कोर्सेज अगर आपको करने हैं तो आपको जनरल पेपर चूज करना पड़ेगा। इवन आपको लॉ 3 इयर्स भी करना है तो भी आपको जनरल पेपर चूज करना पड़ेगा। तो ये जनरल पेपर अलग है, ठीक है। इस जनरल पेपर का जो क्वेश्चंस है वो उसी तरीके से होंगे, लेकिन वहां पे जो 25 हुआ करते थे, यहाँ पे होपफुली 75 हो, क्योंकि मैं इस वीडियो के बाद पूरा जनरल पेपर का सिलेबस लेके आ रहा हूं, तो उसमें डिस्कस करूंगा कितने क्वेश्चंस होंगे, कितने मिनट मिलेगा, ठीक है। अभी हम लोग बस ये देखते हैं कि जो बदलाव बेसिकली है वो क्या क्या है। उसके बाद यहां पे बता रहा है कि जो ड्यूरेशन होगा, अब हमारे पास पहले जो ड्यूरेशन था वो अब घट गया है, अब हमारे पास 1 घंटा 105 मिनट ही मिलेगा। साथ ही साथ अब क्वेश्चंस की जो क्वांटिटी है, जो नंबर्स है, वो भी घट गए हैं, अब वो 75 हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद ईच क्वेश्चंस कैरी 4 मार्क्स, यहाँ पे एक क्वेश्चंस को 4 की वैल्यू दी गई है, ठीक है। लैंग्वेज पेपर जो है
वो अपनी लैंग्वेज में होगा, लेकिन बाकी आप कोई पेपर का लैंग्वेज चाहते हो तो आपके फॉर्म भरते वक्त ही चूज करने का ऑप्शन होगा। जैसे जो इंग्लिश का पेपर होगा वो तो इंग्लिश में ही होगा, लेकिन अब हिस्ट्री का पेपर आपको अपने किसी डिजायर लैंग्वेज में चाहिए तो आपके पास वहां ऑप्शन होगा चूज करने के लिए। ठीक है, तो ये आप फॉर्म भरते वक्त थोड़ा सा बी केयरफुल, आप उसको ध्यान से भरना। बाकी यहाँ पे कुछ चीजें और भी हैं जो आपके काम की नहीं है आप, लेकिन एक बार फिर से बुलेटिन अच्छे से पढ़ लेना। जो बदलाव के तौर पे देखा जा रहा है, जो एक बड़ा बदलाव देखा जा रहा है वो यही है। अब किस कारण से हटाया गया ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अब बदलाव ये है कि आपके पार्ट ए एज एप्टीट्यूड सेक्शन जो क्वेश्चन 25 आते थे वो अब नहीं आएंगे। ये एक सीयूटी पीजी 2024 का एक बड़ा बदलाव है। अब मुझे उम्मीद है कि आप अब पर्टिकुलर अपने डोमेन के साथ अच्छी तैयारी कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं आपका एक सिलेबस घट गया और आपके पास ज्यादा फोकस स्टडी करने का एक मौका मिल गया है। मेहनत से पढ़िए, और मैं आपके लिए पूरा एक सीरीज ला रहा हूं जिसमें पूरी प्रिपरेशन ही कराऊंगा यूट्यूब पे। आप ये चैनल आपके हाथ लगा है, मैं प्रॉमिस करता हूं कि पूरी काउंसलिंग तक आपकी हेल्प करूंगा, और आपको मेरे चैनल की हिस्ट्री आपको जाननी चाहिए। मैं हमेशा ऑफिशियल और अनऑफिशियल एनालाइज वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ, पूरी प्रिपरेशन कराता हूँ। हमारे यहाँ पूरा पेड कोर्स चलता है, अलग अलग सब्जेक्ट्स के टीचर है, आप चाहो तो ज्वाइन करो, आप उनसे पढ़ाई करो और अपनी प्रिपरेशन बढ़िया कर सको, अच्छे मार्क्स ले आओ। सबसे अच्छी बात है हमारी जो फी है बाकी कोचिंगों के कंपेरिजन में काफी कम है, आप बस उतना ही पे करो जिससे कि हमें पूरा जो इक्विपमेंट्स है, जो गैजेट्स है, उसका मेरा काम चल जाए। तो मुस्कुराते रहिए, बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, और प्लीज बीएचयू पाठशाला का ज्वाइन जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बीएचयू पाठशाला का जो कोर्स है वो भी आप रजिस्टर कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में एक नंबर है, यहाँ पे स्क्रीन पे भी नंबर है, उस पर कॉल करके बकायदा काउंसलिंग कराइए, उसके बाद आप कोर्स ज्वाइन करिए। कमिंग वीडियोज है मेरा जनरल पेपर सिलेबस पे, आप कॉमेंट करिए आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है, पूरे बुलेटिन जो बुलेटिन है वो मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा और आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, मुस्कुराते रहे, हर हर महादेव।